हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर गेम प्ले एपिसोड ऑफ GTA 5। तो आज हम करने वाले हैं बैंक रॉबरी। तो जैसा कि आपने लास्ट गेम प्ले एपिसोड में देखा होगा, लेस्टर फ्रैंकलिन, ट्रेवर और मैं, हम चारों ने मिलकर पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक के अंदर रॉबरी करने का डिसाइड किया था। लेस्टर की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक के अंदर $50 मिलियन से ऊपर का गोल्ड और कैश पड़ा होगा, क्योंकि गाइज ये जो पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक है वो कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, वो लॉस एंजलिस के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक है, जिसके अंदर लॉस एंजलिस के काफी सारे मिलियनर्स और बिलियनर्स के बैंक अकाउंट बने हुए। तो आज बैंक करने इसके लिए मैं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया था और मैंने फ्रैंकलिन को कॉल किया कि भाई तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे को पिकअप करने के लिए आ रहा हूं। तो इसने मेरे को कहा कि नहीं ब्रो, अभी मैं बीच पर वर्कआउट करने के लिए आया हूं। जब मैंने लेस्टर को ये बात बताई ना, लेस्टर काफी ज्यादा आग बबूला हो गया और उसने मेरे को फ्रैंकलिन को पिकअप करने के लिए यहां पर भेज दिया है। तो अभी ना इसने अलग सी चैलेंज ले ली इसके फ्रेंड के साथ, 1000 पुशअप्स मारने की। देखते कब तक इसकी चैलेंज जो खत्म होती है। तो फ्रैंकलिन को कितना भी समझाया पर ये समझ नहीं रहा है। ये कह रहा है कि भाई 10 मिनट रुक जा, बस मेरे पुशअप्स पूरे हो जाए, मतलब आज की चैलेंज में जीत जाऊँ, फिर हम चलते। तो यहाँ पर लॉस एंजलिस के बीच पर सुबह सुबह लोग जो है वर्कआउट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पुलअप्स मार रहा है और वहाँ पर वेट वगैरह बहुत सारे वर्कआउट करते हैं यहाँ पर लोग आकर। मैं भी करता था पर अभी काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है आने के लिए। तो अब बात करते हैं बैंक रॉबरी के बारे में। हाँ, तो गाइज जो पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक है वो लॉस एंजलिस के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक है और वहाँ पर काफ़ी सारे मिलियनर्स और बिलियनर्स के बैंक अकाउंट बने हैं। तो इसलिए पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक के अंदर सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी है और उस सिक्योरिटी को हैक करना किसी के भी बस की बात नहीं है। पर लेस्टर के बस की बात है, पर उसके लिए उसे एक सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत थी जो कि उस बैंक के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। तो लेस्टर ने एक ट्रक के अंदर सुपर कंप्यूटर सिस्टम को इंस्टॉल किया था। तो आज से 2 साल पहले लेस्टर जो एक मिशन के दौरान पकड़ा गया था और उसका जो टेरर बाइट थी, मतलब ये जो सुपर कंप्यूटर ट्रक था उसका नाम उसने टेरर बाइट रखा था, उसे मिलिट्री वालों ने जब्त कर लिया। पर गाइज हमने उस टेरर बाइट को फिर से मिलिट्री बेस से चुरा लिया है और लेस्टर जो अभी लग चुका है उस बैंक के सिक्योरिटी को हैक करने के लिए। और गाइज अगर आपने लास्ट गेम प्ले एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से देख लेना, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का लिंक है। तो देखते हैं यार इस फ्रैंकलिन की चैलेंज कब तक पूरी हो जाती है। तो गाइज काफी ज्यादा देर बाद ये जो फ्रैंकलिन का फ्रेंड है इसने गिव अप कर लिया है और गाइज ये जो है उल्टियां करने लगा है। और ये देखते यार ये फ्रैंकलिन का चैलेंज कब तक खत्म हो जाता है, इसके 1000 पुशअप बस जल्दी से हो जाए। मेरे को लेस्टर के सुबह से 4 से 5 कॉल आ चुके हैं और लेस्टर कह रहा था एक तो ड्राइवर भी उसका कॉल नहीं उठा रहा है। तो यार जल्दी से मार ले पुशअप्स फ्रैंकलिन, तो काफी ज्यादा देर हो चुके हैं हमें। तो चलो यार गाइस काफ़ी ज़्यादा देर बाद इसके जो पुशअप्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 1000 पुशअप्स बंदे ने मार लिए। तो जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर कार जो इस साइड पर पार्क की और लॉस एंजलिस में यहाँ पर सुबह सुबह बीच पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये फ्रैंकलिन कहाँ पर रहेगा यार, देखो आराम से चलते चलते आ रहा है। यार भाई जल्दी से आ जाना, खाली फुकट यहाँ पर 1000 पुशअप्स का चैलेंज लेकर इसने काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट कर दी है। लेस्टर की भी सुबह से बहुत सारी कॉल्स आ चुके हैं, ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए आज तो ये बैंक रॉबरी करनी है हमें। तो मैंने अभी इस होटल के पार्किंग में अपने कार को पार्क किया है। ये होटल वाले वैसे तो यहाँ पर पार्क करने पर मुझे कुछ कहते नहीं, पर क्या बता यार किसी दिन मेरी कार को टो करवा दे, इससे अच्छा तो मैं अपनी कार को बीच के प्रॉपर पार्किंग में ही पार्क करूँ। पर वो जो बीच की पार्किंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से दूर है, तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी पार्क कर दी थी। तो चलो यार फ्रैंकलिन जल्दी से बैठ जा कार के अंदर और यार जल्दी से बैठ जाना। तो अभी ना मेरी कार ठुक जाती पीछे की तरफ से, बच गई। तो चलो यहाँ से मैं निकालता हूँ धीरे से इस कार को। अभी फ्रैंकलिन को नहा धोने के लिए घर तो नहीं जाने दूंगा, मैं सीधा ही इसे लेस्टर के पास लेकर जाता हूँ। ड्राइवर भी फ़ोन नहीं उठा रहा है तो लेस्टर परेशान है काफ़ी ज़्यादा। ये ड्राइवर का क्या मैटर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल तो वैसे काफ़ी ज़्यादा जोश में तैयारी कर रहा था, पर आज क्या पता इसे क्या हो गया कि भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। वैसे आजकल ड्राइविंग जो है मेरी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं 100 की स्पीड पार कर चुका हूँ। तो आपको अभी ये पूरा रास्ता क्या दिखाना, मैं आपको सीधा ही लेस्टर के पास मिलता हूँ। तो चलो यार गाइस अभी जो है हम लेस्टर के दोस्त के गोडाउन के पास पहुंच चुके हैं। और ये बंदा यहाँ पर कार क्यों पार्क कर रहा है भाई, यहाँ पर पीछे की तरफ हमारी टेरर बाइट है, बस ये टेरर बाइट को ना देख ले, आराम से चुपचाप से निकल गया तो इसे हम कुछ कहेंगे नहीं, नहीं तो गन निकालनी पड़ेगी। तो चलो यार गाइस जिसने यहाँ वहाँ कहीं पर भी मुड़ कर नहीं देखा है, सीधा अपने रास्ते चलने लगा है। तो यहाँ पर लेस्टर जो आराम से सुबह सुबह कॉफ़ी के मज़े ले रहा है। मेरे को लगता है इसने बैंक के जो कैमरेज है और लॉक्स है वो हैक कर दिए है, इसलिए इतने आराम से यहाँ पर कॉफ़ी पी रहा है। और देखते हैं इसका मूड कैसा है, मैं जल्दी से इससे बात कर लेता हूँ, क्या कहते हैं देखते हैं। तो चलो यार गाइस अभी जो है मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर कह रहा है कि ड्राइवर जो है आज नहीं आने वाला है और उसने उसके आगे कुछ बताया नहीं, फ़ोन सीधा डायरेक्टली कट कर दिया है और अभी फ़ोन भी नहीं उठा रहा है वो। तो गाइस अभी ना मुझे यहाँ पर पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है
मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी ने ना बता दिया हो कि टेरर बाइट जो है, मतलब टेरर बाइट की जो फ़ोटो है वो पूरे अखबार में आ चुके हैं, टीवी पर दिखा रहे हैं। अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी तो काफ़ी ज़्यादा गलत सीन होगा। फिलहाल यहाँ पर मुझे आगे की तरफ एक पुलिस वालों की कार जो है वो दिख रही है, और ये क्या कर रहा है यार? ओ भाई साहब, ये तो पेड़ को ठोक रहा है यार, ये पुलिस वाला साइको टाइप का बंदा लगता है। जाने दो, हमारी कुछ मतलब हमें डरने की कुछ बात नहीं है, टेरर बाइट के बारे में किसको बताने। और ये फ्रैंकलिन जो है पूरा का पूरा झाड़ियों में चला गया था। तो चलो अभी मैं लेस्टर से बात कर लेता हूँ। लेस्टर मेरे को कह रहा था कि ये जो वैन है ना, तुम अब मत लेके जाओ, क्योंकि तुम दोनों ही जन जाने वाले हो रॉबरी करने के लिए। तुम एक काम करो, मतलब ये जो लेस्टर का दोस्त है ना, उसका एक PDM करके शोरूम है जिससे हमने ये जो वैन है ना उसे मॉडिफाई किया था। तो लेस्टर ने कहा तो तुम PDM में जाओ। लेस्टर ने उसके मतलब उसका जो दोस्त है और उस शोरूम का मालिक है उसे बात कर ली है, और उसने वहाँ पर एक बाइक के अरेंजमेंट भी कर दिए। तो हम चलते हैं जल्दी से PDM शोरूम के लिए यार, अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो कपड़े हैं जो हम जिसमें बैंक रॉबरी करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो हमारे वेपन्स है वो एक बैग में भर के ले लूँ। तो मैं लेस्टर से पूछ कर देखता हूँ लेस्टर क्या कहता है। तो चलो मैं लेस्टर से जल्दी से इस बारे में बात कर लेता हूँ। तो चलो यार गाइस, अभी जो मेरे लेस्टर से बात हो चुकी है, और लेस्टर ने जो है हमारे दोनों बैग्स जिसमें हम रॉबरी के जो मतलब कैश और गोल्ड है उसे रखने वाले हैं, उसमें हमारी दो गन्स और साथ ही साथ हमारे जो कपड़े हैं वो दे दिए हैं, सब कुछ हमने ले लिया है। तो जल्दी से हमारी कार में बैठते और चलते हैं PDM शोरूम के लिए। तो जल्दी चल यार, फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन भी ना यार, काफ़ी ज़्यादा आज मतलब क्या हो गया इसे कुछ बता नहीं सकते। तो जल्दी से मैं चलता हूँ PDM शोरूम के लिए यार, तो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये ड्राइवर आज आता ना तो काफ़ी अच्छा होता यार, क्योंकि ड्राइवर जो है वो काफ़ी जोशीला बंदा है। तो जल्दी से मैं अपने कार को भगाता हूँ यहाँ से, 110 के ऊपर मैं जा चुका हूँ इस कार को लेकर। और अभी मेरे को स्पीड कम करनी पड़ेगी क्योंकि आगे की तरफ भी कार चल रही है। और भाई साहब, ये लॉस एंजलिस में ना कार चलाने की काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सीधा ही PDM शोरूम के पास मिलता हूँ। अभी आपको ये पूरा का पूरा रास्ता क्या दिखाना। तो गाइज, अभी जो है हम PDM शोरूम के पास पहुंच चुके हैं, ये रहा आगे की तरफ PDM शोरूम। मैं एक काम करता हूँ, अपनी जो कार है इसे यहाँ पर पीछे की तरफ ही पार्क कर देता हूँ, आगे की तरफ नहीं पार्क करते, यहाँ पर पीछे की तरफ पार्क कर देता हूँ। और ये यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? सिगरेट ओढ़ रहा है, तेरी भैंस की टांग साली, ये सब नहीं करते, बताए तेरे को, स्मोकिंग किल्स। तो इसे गन दिखाता हूँ और यहाँ से भगा देता हूँ यहाँ से जल्दी से इसे। चल भाई, निकल दे यहाँ से। अरे यार फ्रैंकली, हट जाना। भाई साहब देखो, गन देखती कैसे भाग गया, गन अंदर लग रहता हूँ मैं यहाँ से जल्दी से अपनी। तो चलो चलते शोरूम के अंदर, देखते क्या हो रहा है बाइक के साथ, बाइक हमारी रेडी है या नहीं, क्या और भी कुछ मॉडिफिकेशन चल रहे। फ्रैंकलिन ने कहा था नंबर प्लेट जो है वो पूरी की पूरी चेंज कर देना। तो यहाँ पर देखते क्या चल रहा है भाई, ये अभी भी मॉडिफिकेशन करने में ही लगा हुआ है। देखो क्या कर रहा है, कुछ देख रहा है लगता है इंजन का। तो यहाँ पर आगे की तरफ जो शोरूम का मालिक खड़ा है, इसे मैं आवाज़ लगाकर जल्दी से यहाँ पर बुला लेता हूँ। ओ भाई साहब, तो चलो ये जो है आ चुका है। तो ये आ रहा है यार, कितने धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है। तो चलो बस ये आ जाए, इसकी मैं जल्दी से लेस्टर से बात करवा देता हूँ। और ये जो बाइक है ना, मुझे BMW की लग रही है भाई साहब, BMW की बाइक लेस्टर ने अरेंज की। तो चलो यार गाइस, अभी जो ये लेस्टर से बात कर रहा है, देखते हैं इनके बीच में क्या डील होती है, और डील फाइनल हो जाने के बाद हम इस बाइक को यहाँ से जल्दी से ले जाएंगे। अभी ये जो बंदा है पूरा का पूरा देख रहा है, मतलब सब कुछ सही है नहीं, मतलब इंजन ऑयल वगैरह वगैरह। तो चलो यार गाइस, इनकी जो लेस्टर से बात हो चुकी है, और ये मेरे को कह रहा है कि अब तुम जो है वो इस बाइक को ले जा सकते हो। बस गाइज, बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। तो जल्दी से चलते इस बाइक को लेकर हम। मेरे को नहीं पता कि इस बाइक का मॉडल नंबर क्या है, सब कुछ मेरे को कुछ भी नहीं बताया। देखते हैं मॉडिफिकेशन कैसी की है इसने। मॉडिफिकेशन तो कुछ ज़्यादा नहीं की है, पर नंबर प्लेट जो है वो चेंज कर दिए, और साथ ही साथ जो पेट्रोल की टंकी है वो फुल करवा दिए, और इंजन ऑयल वगैरह वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया। और गाइज, इसकी साउंड आप सुनो यार, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साउंड इसकी। ओ भाई साहब, सुना आपने कितनी ज़्यादा डेंजरस साउंड थी। तो चलो, फ्रैंकलिन भी बैठ चुका है, और काफ़ी ज़्यादा शानदार लुक आ रही है हम दोनों की इस बाइक के ऊपर। ओ भाई साहब, क्या दिख रहे हैं, और बाइक तो यार साउंड पूछो ही मत इसका। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, बाइक को पार्क करता हूँ, और जिमी को कॉल कर कहता हूँ कि भाई PDM के पास हमारी जो कार है वो पार्क है, तो तू घर के अंदर जो हमारी डुप्लीकेट चाबी पड़ी इस कार की उसे लेकर आ जाओ, और इस कार को जो है यहाँ से पिकअप करके घर के अंदर जाकर पार्क कर दे। तो इसे मैंने लॉक कर दिया इस। तो चलो यार गाइस, अभी जो है हम जल्दी से चलते हैं मेरे गैराज पर, मतलब मेरे जो दूसरा वाला गैराज है, मतलब गैरेज नहीं है वो, सिंपली मेरे पार्किंग कर दिए
वहाँ पर जो मेरी कार्स जो पार्क रहती है, कार्स और साथ ही साथ और बाइक्स वगैरह पार्क रहती है, तो हम जल्दी से चलते हैं मेरे गैराज के पास और वहाँ पर जाके हम मतलब गैराज के पास नहीं, हम सीधा ही गैराज के अंदर जाएंगे और वहाँ पर जो हमारे कपड़े जो है वो चेंज कर लेंगे, फुल बैंक रॉबरी मतलब चोरों के गेटअप में आएंगे। बैंक रॉबरी करने के लिए जाना है भाई, तो काफ़ी अच्छा गेटअप होना चाहिए हमारा। तो जल्दी से यहाँ से भगाता हूँ मैं इस बाइक को, और ये बाइक जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज भाग रही है भाई साहब, 120 की स्पीड में भाग रही है। देखो इसकी और अच्छे से मॉडिफिकेशन करोगे ना भाई ये तो काफ़ी 200 की स्पीड तक चली जाएगी। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसे उठाता हूँ इस बाइक को आगे की तरफ से। ओ भाई फ्रैंकलिन गिर ना जाए बस पीछे की तरफ, ये काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। तो यहाँ पर इस तरफ मेरा जो है शोरूम नहीं सॉरी मेरा गैराज है, तो यहाँ से बस हमें अंदर की तरफ जाना है। और ये बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, अरे चल हट तेरी भैंस की टांग, इसे गन दिखाने चाहिए, बस गन दिखाओ ना काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो चलो चलते हैं हम अंदर की तरफ, ये रहा गैराज का शटर, इसे खोलते हो चलते हैं जल्दी से अंदर की तरफ। तो गाइज हम जो है अंदर आ चुके हैं गैराज के, बस यहाँ पर मैं उतर चुका हूँ। अरे फ्रैंकलिन कहाँ पर चला गया यार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी दोनों कार्स पार्क है और यहाँ पर फ्रैंकलिन है। तो हम जल्दी से कपड़े चेंज करते हुए बाद में आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी जो है हमने पूरे के पूरे हमारे कपड़े चेंज कर लिए हैं और दोनों ने साथ ही साथ बैग भी ले लिए और गन्स भी ले लिए हैं। और गाइज यहाँ पर हम जो है बस गैरेज के बाहर भी निकल चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमने हमारा जो फेस है उसे कवर कर लिया है, फ्रैंकलिन ने एक अलग सा मास्क पहन लिया है। तो गाइज पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक जो यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बस हमें यहाँ से जाना है आगे की तरफ और आगे की कट से हमें जो है लेफ्ट मुड़ जाना है और बस हमें सीधा जाना है और हम जो है पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक के अंदर पहुँच जाओ। ओ भाई 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 भाई, मैं बोलने के चक्कर में रास्ता ही भूल गया, कोई बात नहीं, हमें यहाँ से जल्दी से अपनी बाइक को मोड़ कर चलते हैं जल्दी जल्दी पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो स्पीड है वो 90 की है, 90 के आसपास की है। और ये रहा पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक, तो मैं एक काम करता हूँ इस साइड पर जो इस मतलब हमारी जो बाइक है यहाँ पर मैं इसे खड़ी कर देता हूँ। और चलो यहाँ पर मैंने अपने बाइक को पार्क कर दिया, तो फ्रैंकलिन जल्दी से उतर जाओ और अपने जो वेपन से वो बाहर निकाल ले। तो ओ भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लोग है, तो यहाँ पर हम इन्हें कुछ कहेंगे नहीं, हम सीधा ही बैंक के अंदर चले जाते हैं। और भाई साहब बैंक तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पर ATMs लगे हुए हैं। तो हमें जो है ना यहाँ पर ना ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना उन्हें पहले मारना पड़ेगा। तो इस साइड पर कोई एक खड़ा है, ओ तो चलो इसे मैं पहले मारता हूँ। ओ भाई साहब, तो चलो इसे तो मैंने दो ही गोलियों के अंदर निपटा दिया। ओ तो यहाँ पर छुप रहा है, अरे बेटा बाहर आओ बेटा, ऐसे मत छुपा करो। तो चलो इसे मैंने मार दिया। ओ भाई साहब, इस गंजे ने आलार्म बजा दिया भाई, इस गंजे ने जो है आलार्म बजा दिया है। अभी जो है यहाँ पर पुलिस आ सकती है जल्दी से, तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से इस लॉकर के लॉक को तोड़ता हूँ और जल्दी से जाकर कैश और गोल्ड लेकर आता हूँ। पहले इस CCTV को तोड़ देता हूँ यार, क्या बता। तो फ्रैंकलिन एक काम करेगा, फ्रैंकलिन जो है यहाँ पर रुकेगा और नज़र लगेगा। तो चलो बैग के अंदर लेस्टर ने मुझे कोई एक चीज़ दी है, उसने कहा था कि उस गेट के लॉक के ऊपर उसे रख देना और बटन दबा के साइड में हट जाना। तो अभी जो इस लॉकर का लॉक टूट जाएगा और एक कितना ज़्यादा स्मोक फैला रहा है यार। तो चलो लॉक जो टूट चुका है, जल्दी से चलते अंदर की तरफ और इसका भी लॉक जो तोड़ देते हम। तो लेस्टर ने मुझे ये जो चीज़ देना यार, इसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता है। और चलो इसे मैंने लगा दिया है यहाँ पर और स्मोक जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ऐसी चीज़ें जो है लेस्टर ने मुझे 4-5 दे दी है, तो देखते हैं अंदर कितने और लॉक्स है। तो डरने की कोई बात नहीं है वैसे तो। ओ भाई यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है और इसे भनक तक नहीं लगी, हम लॉक तोड़ के आ चुके। अरे भाई ऐसा मत करो यार। तो चलो हम ओ तू कहाँ पर ऊपर जा रहा है, मेरे को लग रहा था कि ये मैनेजर है बैंक का। तो चलो चलते हैं हमें यहाँ पर, हमने सबको मार दिया है। और भाई चलो तो हम चलते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पर जो इसका PC है और साथ ही साथ ये बंदा देखो यार, इसमें कितना ज़्यादा जान बच चुके हैं, इतने सारी गोलियाँ लगी तब भी मर नहीं रहा है। तो चलो हम यहाँ पर इसे जो है जल्दी से हैक करते हैं, पर सबसे पहले तो इसे मारना पड़ेगा यार, तो इसे भी मारना पड़ेगा जल्दी से। इसे मैंने पहले ही मारा था, 2-4 गोलियाँ इसके पहले ही लग चुकी थी, पर इसने काफ़ी ज़्यादा आर्मर पहना है लग रहा है। तो एक काम करता हूँ यहाँ पर जो है मैं हैक कर देता हूँ इसे। लेस्टर ने मेरे को एक कार्ड दिया है, सिंपली मैं इसे मतलब इस कार्ड को इस मशीन के अंदर इंजेक्ट करना है और कुछ हमारे सामने आएगा हमारे PC के अंदर। तो चलो इसे मैंने हैक कर देना है, इस मतलब ये जो लाइन्स है ना मुझे रेड वाली लाइन के साथ मैच कर देनी है, तो जल्दी से करना पड़ेगा ये मेरे को। तो चलो अगर अभी जाकर ये हैक हो चुका है, तो जल्दी से मैं इस कार्ड को निकालता हूँ और बैग के अंदर डाल देता हूँ। लेस्टर ने मेरे को कहा था कि कार्ड लेके आना, तो ये दरवाज़ा जो है वो खुल चुका है भाई साहब, कितना मोटा दरवाज़ा है। तो चलो जल्दी से चलते हैं हम अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ भी एक गेट लगा हुआ है भाई, यहाँ पर ये लॉक ना हो बस।
तो गाइज ये भी गेट जो है लॉक था, तो हमें इसे भी तोड़ना पड़ेगा। तो बस हम इसे तोड़ते हैं जल्दी से, और कितना ज़्यादा स्मोक निकल रहा है इसके अंदर से, तो बस ये टूट जाए जल्दी से। तो चलो यार गाइज अभी जो ये टूट चुका है, और गाइज यहाँ पर आप अंदर की तरफ देख सकते हो कितना सारा गोल्ड और कैश पड़ा है। और गाइज यहाँ पर इस ब्रीफ केस के अंदर कुछ डायमंड टाइप पड़ा हुआ है, इस ब्रीफ केस को भी हम ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड और कैश कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इस कैश को उठा लेता हूँ और बैग के अंदर डालता हूँ। और भाई साहब ये मैं पहली बार मैंने इतना सारा गोल्ड और कैश देखा है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी चोरियाँ की है पर इतनी बड़ी नहीं यार। लास्ट सच कह रहा था, यहाँ पर काफ़ी सारा गोल्ड और कैश पड़ा होगा। तो ये गोल्ड भी मैं जल्दी से उठा लेता हूँ। तो चलो यार गाइस इस साइड का जो गोल्ड है वो मैंने उठा लिया, और साथ ही साथ जो गोल्ड और कैश से भरा हुआ बैग है वो मैंने फ्रैंकलिन को दे दिया है। तो फ्रैंकलिन भी यहाँ पर आ चुका है और यह अभी ऊपर जाने वाला है, तो जल्दी से फ्रैंकलिन ऊपर जाएगा और तब तक हम जो है इस साइड का कैश और गोल्ड कलेक्ट कर लेते हैं। उस साइड में ज़रा सा गोल्ड जो है वो बच चुका है, पर कोई बात नहीं यार, काफ़ी सारा गोल्ड और कैश हमने ले लिया है। तो जल्दी से इस साइड का भी कैश जो है मैं पिकअप कर लेता हूँ। तो बस हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 स्टार की पुलिस जो हमारी ऑलरेडी पीछे पड़ चुके हैं। तो चलो यार गाइस अभी जो है हमने इस साइड का गोल्ड जो है वो भी उठा लिया है, तो जल्दी से चलते हैं बाहर की तरफ। और बाहर जो है ना भाई काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध होने वाला है पुलिस और हमारे बीच में। तो फ्रैंकलिन ऑलरेडी ऊपर है, वो ऊपर की सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। तो गाइस आगे की तरफ जो है फ्रैंकलिन किसी के मत्थे पर एम करके खड़ा है। तो चलो गाइस यहाँ पर मैंने फ्रैंकलिन को बुला लिया है, और चलो हम चलते हैं अब जल्दी से बाहर की तरफ। और पुलिस जो है अंदर आनी चालू हो चुकी है। पहले मैं यहाँ पर इनके पीसी को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, क्योंकि इनके पीसी के अंदर हमारे खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद हो सकता है, यानी कि सीसीटीवी फुटेज में शायद से हम दिख गए हो, तो सब कुछ हमें यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो मैं इन लोगों को मारूंगा नहीं, बस इनकी जो पीसीज है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो चलो जल्दी से मैंने यहाँ के सभी पीसीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, और पुलिस वाले जो अंदर की तरफ आने चालू हो चुके हैं। ओ भाई ये गिरा है तभी भी मेरे को मार रहा है इसके बहस की टांग। तो चलो फ्रैंकलिन जो है बाहर की तरफ जा चुका है, तो मैं चलता हूँ जल्दी से और इन पुलिस वालों को यहाँ से टपकाना चालू कर देता हूँ। ये देखो टेबल के नीचे छुप छुप कर मार रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा छुपे रुस्तम है यार ये पुलिस वाले। तो अभी 4 स्टार की पुलिस जो है हमारे पीछे है, तो बाहर भी काफ़ी सारी पुलिस जो आ चुकी होगी। तो हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है, और यहाँ पर स्वेट सोल्जर भी आ चुके हैं। भाई साहब ये कितने ज़्यादा आर्मर वर्मर पहन के आ चुके हैं, देखो तो यहाँ से ये मार रहा था इसके बहस की टांग। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पुलिस जो है बैंक के बाहर आ चुके हैं, तो मेरे को यहाँ से जल्दी से बाहर जाना पड़ेगा। और भाई साहब ये देखो पुलिस वाले, भाई खतरनाक सीन हो चुका है। फ्रैंकलिन जो है अंदर की तरफ संभाल रहा है, बाहर के मतलब दूसरा जो गेट है बैंक का वहाँ पर वो खड़ा है, तो जल्दी से इन्हें मार देता हूँ मैं। तो अभी जो है बाहर की तरफ काफ़ी सारे पुलिस वाले आ चुके हैं, तो मुझे कैसे भी करके यहाँ से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से बाहर निकल जाता हूँ भाई यहाँ से। ये देखो इस साइड मेरे बाइक को कुछ किया नहीं होगा तो अच्छी बात होगी। तो जल्दी से मैं बैठता हूँ बाइक के ऊपर, और चलो यार फ्रैंकलिन जल्दी से आ जाए। यार ये फ्रैंकलिन भी ना अंदर कहाँ मर गया क्या मालूम। ओ तो चलो ये फ्रैंकलिन भी आ चुका है, तो थोड़े आगे लेता हूँ। ओ भाई यार ये गिर चुका है यहाँ पर फ्रैंकलिन, और यहाँ पर ये पुलिस वाले देखो कितनी ज़्यादा जान बच चुकी है इनके अंदर। तो मैंने भी हेलमेट पहन लिया, और भाई साहब चलो चलते हैं जल्दी से हम यहाँ से। और आगे की तरफ तो देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा पुलिस वालों की गाड़ियाँ जो है आ चुके हैं। हमें जो है अभी सीधा लेस्टर के दोस्त के फार्म हाउस पर जाना है, जो कि गांव की तरफ है। और गाइज यहाँ पर ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पर भी पुलिस वालों की 4-5 गाड़ियाँ खड़ी है, और पुलिस वाले तो हमारे पीछे लगे ही है। भाई साहब इन पुलिस वालों ने ना जगह जगह पर ट्रैप बिछाए रखे हैं हमें पकड़ने के लिए, पर कोई नहीं, मैं भी माइकल हूँ, इनके हाथ तो आसानी से नहीं आऊँगा। पर आगे की तरफ से और एक मिलिट्री वालों की गाड़ी आ चुकी है, मिलिट्री वालों की नहीं बेसिकली स्वेट सोल्जर की गाड़ी है। और पुलिस वाले और ये जो ब्लैक ओप सोल्जर है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पीछे पड़ चुके हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हो। ओ भाई, भाई 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 ये जो बाइक है ना यार सच्चे में काफ़ी ज़्यादा गजब की बाइक है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आ रही है ये बाइक। और ये भाई साहब ये पुलिस वाले भी ना, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से ऊपर ले लेता हूँ अपनी बाइक को, रास्ते से नहीं जाएंगे हम यहाँ से जाएंगे। ओ भाई आगे की तरफ पेड़ था इसीलिए मैं नीचे आया, पर गाइस ओ शिट 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 काफ़ी ज़्यादा गलत सीन हो रहा है भाई यहाँ तो। ओ भाई बस पकड़े ना जाए, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। वैसे ये बाइक जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की गजब बाइक है, यहाँ पर हम अब ऑफ रोडिंग करेंगे। तो कुछ भी कहो गाइज ये जो बाइक है ना वो रोड पर भी उतनी स्पीड से भागते हो, और ऑफ रोड पर भी उतनी स्पीड से भागते देख सकते हो आप यहाँ पर। और पुलिस वाले जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, और गाइज इसने तो आगे ट्रैप बिछाए रखा है। तो चलो यार गाइज काफ़ी ज़्यादा देर बाद अभी जाकर जो पुलिस है थोड़ी सी कम हो चुकी है, मतलब 1 स्टार जो कम हो चुका है,
फिर भी अभी भी हमारे मध्य के ऊपर हेलीकॉप्टर जो घूम रहा है, तो देखते हैं हेलीकॉप्टर कब तक चला जाता है। तब तक एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं किसी जगह पर रुक जाता हूँ। तो चलो यार गाइस, अब भी जो है दो स्टार की पुलिस हमारे पीछे है, हेलीकॉप्टर जा चुका है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक मतलब एक गैराज टाइप कुछ बना है, इसके अंदर जाकर हमारी बाइक को यहाँ पर मैं पार्क करता हूँ जब तक ये पुलिस वाले जाते। तो चलो यार गाइस, अभी जो है सब कुछ पुलिस हमारे पीछे से हट चुके हैं। पुलिस वालों को नहीं लगता कि अब हम इस एरिया में हो गए, तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ से लेस्टर के दोस्त के फार्म हाउस की तरफ चलते हैं। ओ भाई साहब, ये रहा लेस्टर के दोस्त का फार्म हाउस, और आगे की तरफ ही प्रिजन है भाई साहब। इस प्रिजन के अंदर के टावर के ऊपर पुलिस जो हो सकती है, बस वो हमें देख ना ले। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से जल्दी से फार्म हाउस के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पर कोई वैसे सुनसान एरिया है पूरा का पूरा, ये खेत भी यहाँ पर मतलब खेती की जाती है ज़्यादातर। तो ये रहा लेस्टर के दोस्त का फार्म हाउस। वैसे लेस्टर के साथ इस फार्म हाउस पर मैं एक बार आया तो था। तो एक काम करते हैं, इस बाइक को जो है ना पीछे की तरफ पार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर भी नहीं पार्क करना चाहिए हमें, यहाँ पर जो एक गेट है, तो यहाँ पर इस बाइक को पार्क करते हैं हम जल्दी से, और उतरते हैं और चलते हैं सीधा ही इस फार्म हाउस के अंदर। तो चलो गाइस, बाइक जो पार्क हो चुका है और फ्रैंकलिन बाइक पर ही बैठा है। तो चलो चलते हैं जल्दी से हम अंदर की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर मेरे ख्याल से वार्डरूम है शायद से, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे कपड़ों के अंदर कितना ज़्यादा खून लगा है। वैसे तो मेरे को कुछ भी मतलब खरोंच तक नहीं आई भाई, पर ये थोड़ी से लगे तो है मेरे को, थोड़ा तो लगा है मेरे को। तो एक काम करता हूँ, जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ। यहाँ पर जो है लिविंग एरिया है, और किचन और लिविंग एरिया साथ में, और भाई साहब ये बाथरूम जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये बाथरूम तो यहाँ का मेरे को। तो जल्दी से मैं फ्रेश हो जाता हूँ, बाद में आपसे मिलता हूँ। तो चलो यार गाइस, अभी जो है मैं फ्रेश हो चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रैंकलिन जो है कैसे राजा महाराजों की तरह बैठा है। यहाँ पर जो है हमने जो मतलब जिसके अंदर गोल्ड और कैश भरा है वो बैग से, और यहाँ पर वो ब्रीफकेस है जो हमने वहाँ से उठाया था, और इसके अंदर गोल्ड मतलब गोल्ड जैसा कुछ है या फिर डायमंड है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जो है मेरे को लेस्टर का कॉल आया था, और लेस्टर जो है यहाँ पर टेरर बाइट लेकर आ रहा है। तो हम लेस्टर से ही पूछ लेंगे कि भाई इस ब्रीफ केस के अंदर क्या चीज़ है। तो चलो चलते हैं जल्दी से बाहर की तरफ और लेस्टर का वेट करते हैं, देखते हैं कब तक लेस्टर जो आता है। तो चलो यार गाइस, अभी जो है इतनी देर बाद लेस्टर जो आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो टेरर। ओ भाई 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 भाई, मेरे को बताया भाई तू बहुत ज़्यादा खुश है, पर एक्सीडेंट करवाएगा क्या? तो चलो जल्दी से चलते हैं और लेस्टर से मिलते हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ अभी, तो देखते हैं क्या कहता है लेस्टर। तो उतर जा भाई जल्दी से नीचे। तो चलो मैं जल्दी से लेस्टर से हाई फाई कर लेता हूँ। और चलो यार गाइस, लेस्टर जो काफ़ी ज़्यादा खुश है फाइनली। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और इस वीडियो को हो सके तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना, नेक्स्ट एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।